महामोहात प्रशीमन पर कस्मिकष निरापेबंध विदिमहेमागलकर शरण्या साधूना भय भै्रता मूत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथ गामी न तप से जिनका तन बज्र बना मन से करुणा की धारी है इंद्रियों पर संयम रखती योगों की बनी पुजारी हैं राग द्वेष को जीत रही जो संयम समता के द्वारा हैं परम पूज्य माँ विशुद्ध जी को शत शत नमन हमारा है परम पूज्य गुरु विशुद्ध जी को शत शत नमन हमारा है जबले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय परम पूज्य भारत गौरव गणनी आरिका श्री विशुद्धमती माता जी की जय दसलक्षण धर्म की जय उत्तम आकिंचन धर्म की जय परवाज राज परूषण महापर्व के इस नवम सोपान पर हम सभी चढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हमने आठ सोपानों को पार किया निर्द्वंदता जो हमारे साथ थी द्वंद्वता जो हमारे साथ थी आज दिन आया है धुलने का कल साफ हुए थे सोच के दिन कल हल्के हुए थे और आज जो कहीं कहीं किंचित कटकालमा रह गई है उसको धोना है साफ़ करना है समता से संयम के नीर से सबसे पहले अपनी उन महान उपकारी दीर्घ तपस्विनी समता रस की जो भोगी हैं ऐसी शिक्षा दीक्षा की अधिकारिणी अपनी गुरु माँ गणनी श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में बंदामी निवेदित करती हूँ संगस्थ ज्येष्ठ आर्खिका माता जी के चरणों में वंदना में निवेदित करते हुए उपस्थित त्यागी वृंद धर्म स्नेही सम्य ज्ञान पिपासु भव्यात्माओं पर्वराज महापर्यूषण पर्व का ये नवम सोपान हमें दसवें सोपान तक पहुंचा करके उस दसवीं सोपान को जो आज मेरे हृदय आंगन में इतने क्षमा बिना सरलता के माध्यम से जो निर्लोपता प्राप्त की निर्लोपता के बाद बचनों का जो अनर्गल प्रलाप था उसको रोका और सत्य का अन्वेषण कर सत्य को स्वीकार करने का मन बनाया उन व्रतों के समितियों के इंद्रियों के कसायों के दंडों का इन सब का पालन धारण निग्रह और विजेता बनने के बाद जब उस तप की भट्टी में निखर गए तो त्याग कर दिया सब कुछ अब फिर भी जब घर खाली करते हैं ना नया घर बनाते हैं पुराना घर खाली करते हैं तो सब मोटा मोटा सामान चला गया तो भी मालिक कहता है भैया एक बार अब निगाह डाल लो कोई वस्तु रह तो नहीं गई आजकल जो वैवाहिक रिश्ते नाते अब घर में नहीं होते हैं। अब धर्मशाला में होते हैं एक अच्छे जो गेस्ट हाउस होते हैं उनमें होते हैं तो वहाँ भी जब अपन कार्यक्रम करके घर की ओर जाते हैं तो एक बार क्या कहते हैं भैया देख लेना अच्छे से कोई सामान रह तो नहीं गया आज स्यादवाद में अनेकांत धर्म के वो व्याख्याता श्री जिनेन्द्र भगवान हम सभी संसारी भव्यात्माओं के लिए ये उपदेश देते हैं कि हे अनादि भ्रमित संसारी आत्मा तूने बहुत अच्छा किया कि जिन प्रणीत धर्म पर आचरण करने का मन बनाया है इतने पुरुषार्थ से आज तू सात राजू की यात्रा पूरी कर चुका अब सात राजू की बाकी और है आधा रास्ता तय हुआ है आधा बाकी है लेकिन उन्होंने कहा इस आधे रास्ते को जो तय किया है इस तय रास्ते को देख कर के चैन की सांस मत लेना चलता रहे चलता रहेगा तो वो सात राजू भी पूरे होंगे क्योंकि लौकिक व्यवहार के परिपेक्ष में जब एक पथिक एक भव्यात्मा मोक्ष की मंजिल को अपने परांत कदम कदम से उस दूरी को पूरी करता है तो आने वाला जो मील का पत्थर है उसके किलोमीटर को देख करके इठलाता नहीं है वो पढ़ता है कि दस किलोमीटर तो कहता है अभी पाँच और बाकी है हे भव्यात्मा तेरे साथ राजू का वो मील का पाषाण खंड तुझे दिखाई दे रहा है लेकिन साथ अभी और बाकी है उस सात को और पूरा करने के लिए हमें थोड़ा पुरुषार्थ और करना होगा आज जो हमने आपने इस हृदय आंगन को शुद्ध किया है साफ किया है समता का इत्र छिड़क करके विवेक का गंधोदक डाल करके अब इसको आंगन से मंदिर बनाना है मंदिर की पूर्णता पूरी दस सोपानों को चढ़ करके होगी उसके बाद बस सीधा सीधा शिखर पर कलशारोहण होगा ये तेरा ग्रह जो आत्म गेह है ये ग्रह चैत्यालय बन जाएगा जिसके अंदर अन्य कोई देवता नहीं अन्य कोई देवी नहीं सिर्फ तेरा ही जो आज तक शत्रु था जो आज तक तेरा पड़ोसी था जो आज तक तेरा मित्र था वो आज तेरा गुरु बन कर के कल तेरा प्रभु बन जाएगा फिर तुझे किसी चैत्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी तीर्थंकर के प्रतिमा के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ साध्य और साधन के अंतर को पाठ दिया जाएगा अभेद हो जाएगा अब वहाँ पर भेद की स्थिति खत्म हो जाएगी इसलिए रे साधक अपने को झाड़ ले जो किंचित किटिकालमा बाकी बची है राग की लालिमा बाकी बची है कालुष्यता की कारोंची जो तेरे इर्द गिर्द चुपक गई है उसको तुझे बुद्धि पूर्वक समता के कपड़े से झाड़ना पड़ेगा क्योंकि जब छिद्रों में गंदगी हो जाती है तो उसको आप कपड़े से साफ करते हो वहां झाड़ू नहीं जा सकती वहां बुरश नहीं जा सकता तो कपड़ा लेकर के उससे हाथ से सफाई करते हो मेरे मन रूपी उस छिद्रों के अंदर जो राग देश की कालमा अभी छिपी है आज दिन है ना किंचन है इति आकिंचन है जहां किंचित भी ना राग रहे ना द्वेष रहे और ना बाहरी परिग्रह रहे अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से जो आप सेठ थे साहूकार थे अब आचार्य परमिष्टि कहते हैं कि रे साधक अब तक तो तू नाम का सेठ था आज तू काम का सेठ बनेगा अब तक तू नाम का वरिष्ठ था आज तू काम से विशिष्ट होगा क्योंकि जो बाहर और भीतर एक सा हो जाता है बस उसको ही तो ध्रुव अखंड चिद पिंड चैतन्य ज्ञान धन आत्मा कहते हैं उस आत्मा की सिद्धि के लिए मुझे अपने अंतरंग के अंधकार का नाश करके ज्ञान को प्रकट करने वाला उस सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव के उपदेशों को ग्रहण करना होगा जिनके माध्यम से मेरे अंतर के सर्व, द्वंद, सर्व विकल्प, अंतर अंतर्जल्प एक निर्द्वंदता की स्थिति में प्राप्त हो जाए अभी तक मैंने द्वैत का जीवन जिया है हे प्रभु क्या मैं आज से अद्वैत का जीवन जीना शुरू कर दूंगा? श्रीमद जिनेन्द्र प्रभु ने कहा ये भव्यात्मन अगर तेरे चर्म के चक्षु बंद हो गए और इसकी जगह ज्ञान के चक्षु उघड़ गए तो ध्यान रखना जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियां फिर संयम की परिपालना के लिए पुष्ट होंगी असंयम का परिहार करेंगी और उस संयम को दिलाएंगी जो संयम चारित्र की पूर्णता में हेतु होता है ऐसे संयम को प्राप्त तू कर चुका है तब से अपने आप के विद्युत परिणामों को तू जला चुका है अब तो केवल उन पुण्य की शक्ति का संचय करना है जैसे अब तक पाप कर्म की क्रिया में शक्ति का अपव्यय किया था आज पुण्य के उत्पादन में तुझे अपनी शक्ति का व्यय करना होगा क्योंकि अध्यवसाय के लिए यानी कि पापों के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है और परमार्थ के लिए भी परम शक्ति की आवश्यकता हुआ करती है अगर लौकिक यात्रा करनी है तो भी शक्ति चाहिए उस समय अर्थ की शक्ति चाहिए उस समय द्रव्य की शक्ति चाहिए और लोकोत्तर यात्रा के लिए अलौकिक यात्रा के लिए आपको भावों की शक्ति चाहिए आपको आत्मा की शक्ति चाहिए आत्मा की शक्ति की सिद्धि पर द्रव्यों के आडोलन विडोलन से किंचित भी संभव नहीं हो सकती आत्मा की शक्ति की सिद्धि पर द्रव्यों को दूर करने से ही सिद्ध हो सकती है इसलिए आज का ये आकिंचन धर्म किसी दूसरे के लिए नहीं है इसका उपदेश किसी दूसरे के लिए नहीं है हे hey विज्ञातमन ये उपदेश तो सिर्फ तेरे और तेरे लिए है किसी को उपदेश देकर किसी का दृष्टा बन उससे पहले अपने मार्ग को कंकड़ पत्थर कांटों से रहित तो कर दे जो कांटे कंकड़ पत्थर तेरे लिए अवसाद बन के आते हैं उन राग देश के कंकड़ों को उन मोह के मोटे मोटे पाषाणों को और मिथ्या माया निदान जैसे शल्य के कांटों को तू अपने मोक्ष मार्ग से शोध ले बीन ले इनका शोधन कर लेगा तो ध्यान रखना तेरी ये साधना एक सच्ची श्रमणी की साधना बनके एक दिन श्रमण का रूप प्रदान कर देगी जिन श्रमणों ने अपने इस एकत्र एकांक की स्वरूप को प्राप्त किया है हे प्रभु उस स्वरूप को मैं भी प्राप्त करना चाहती हूँ अब तक प्राप्त न किया उसका कारण सिर्फ ये रहा मेरे इन चमड़े के चक्षुओं ने पर के रूपों को निहारा था पर के सौंदर्य को देखा था पर की अच्छी स्थिति को देख कर के उसकी गोरी चमड़ी को देख करके अपना मीत बनाना चाहा था जिन्हें धर्म कहा ये एकांक की धर्म जो आकिंचन धर्म है ये कहता है कि हे विज्ञात्मन जब तक तेरी दृष्टि सांसारिक रूपों को देखने में रही तब तक तू अपने स्वरूप से नितांत बहुत दूर रहा और जब आज स्वयं के स्वरूप को देखने की दृष्टि जब तेरी जग चुकी है तो अब ऐसी जगह कि कभी अपना भी रूप देखने के लिए इसका राग भाव अपने इस पुद्गल शरीर से न हो पाए हे भगवान ये निश्चित बात है कि ये नश्वर जीवन कदली के वृक्ष के समान जिसमें कोई सार नहीं है सत्यता उस कदली वृक्ष की देखें तो पुष्प जिसके बेहद सुंदर होते हैं पुष्प जिसके बेहद चमकने होते हैं लेकिन जब उस फूल के ऊपर उसका फल आता है तो फल के आने से पहले ही फूल बिखर जाता है अपने सौंदर्य को नाश कर देता है और उसके बाद वो फल पल्लवित तो होता है हे भव्यात्मन जब तेरे आयुष्य का ये फूल जो चमक रहा है दमक रहा है यश और नाम से लोगों को आकर्षित कर रहा है लेकिन ध्यान रखना जब इस पर गर्भ का मिथ्या फल आएगा तो ये फूल तेरा धराशायी होकर के अपने रूप को समाप्त कर देगा अच्छा ये है ये गुलाबी चमकता वर्ण तेरे परिणामों की धवलता को इतना शुभ्र कर दे कि ये चमकता हुआ ये तेरा पुद्गल कभी चमकते हुए आत्मा और केवल ज्ञान के रूप में हमेशा हमेशा के लिए प्रकाशित होता रहे जिससे वो स्वयं भी प्रकाशित हो और दूसरों को भी उस प्रकाश से रोशन करे श्रीमद जिनेन्द्र भगवान ने कहा जो केवल्य की ज्योति है उसको भला कौन अस्त कर सकता है कितनी भी झंझा बात आ जाए लेकिन केवल की ज्योति को अस्त करने का दुस्साहस शायद कोई नहीं रख पाया है अगर उन वायु से तुझे नष्ट नहीं होना तो कम से कम उन वायु का परिचय तो समझ ले जो तन बात बले है घन बात बले है इन बात बलियों के माध्यम से घनोदधि घन और तन बात बले के माध्यम से तो ये सारा लोक वेष्ट है लेकिन तन धन और परिजन के माध्यम से ये सारा तन का लोक वेस्टित है जो तन है ये तुझे संयम में आगे नहीं बढ़ने देता धन है वो तुझे मोक्ष मार्ग पर नहीं चलने देता और जो परिजन हैं ये ऐसे चौकीदार हैं जो ना जान निकालते हैं और ना जिंदा रहने देते हैं तन काराग्रह बनता बेड़ी परिजन जन रखवारे जो कभी परिवार में देखा ही नहीं था जिसका परिचय ही नहीं था ऐसा आत्मा भी उस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए बाधाएं पैदा करता है कि अरे अपनी बेटी को मोक्ष मार्गियों के साथ भेज रहे हो क्या धन नहीं है जिससे उसके पीले हाथ कर पाऊ जैन दर्शन कहता है रे अज्ञानी तू भी कीचड़ में फंस रहा है और दूसरे को भी कीचड़ में फंसाता है ध्यान रख लेना सूखी मिट्टी पर जल अगर गिरता है तो वो कीचड़ बन जाता है उस कीचड़ में यदि पांव संता है तो उसी जल से धोया जाता है हम जिस स्थिति में कर्म का अनुबंध करेंगे उस स्थितियों में ही आकर तुम्हें निर्बंध होना पड़ेगा आज आपने जिसका विरोध किया जिसके अंदर जो दोष नहीं था ऐसी महाव्रति के लिए अणुव्रति के लिए अथवा अणुव्रत महाव्रत से हटकर किसी धर्मात्मा के लिए अगर आपने कोई ऐसे शब्द निंदा के बुराई के कहे तो जैन दर्शन कहता है कि तूने अपने परिणामों की शुचिता को समाप्त कर दिया तूने अपने परिणामों की पवित्रता का दहन कर दिया सुंदर परिणामों की हत्या कर दी देह के भीतर बैठा देही वो ही है जो सिद्धालय में विराजमान है कोई अंतर नहीं है अंतर सिर्फ उस बिल्ली के मुख की तरह है जब अपने बच्चे को उठाती है तो धीरे से उठाती है कहीं उसके चोट ना लग जाए और चूहे को उठाती है चूहे के बच्चे को उठाती है तो ऐसे उठाती है कि जान तुरंत निकल जाए अपने बच्चे के लिए इतना ममता का ग्रह और दूसरे के बच्चे के लिए इतनी निर्ममता ये सत्य है कि ममता बंध का कारण है निर्ममता अबंध का कारण है लेकिन कौन सी निर्ममता किसी दूसरे के प्रति नहीं स्व के प्रति ये निर्ममता आप अपने देह के प्रति अपने भावों के प्रति करें कि मैंने दूसरे के दोष क्यों देखे उसमें कहा है दोष वादे चमोनम जब किसी के दोषों का व्याख्यान का नंबर आए तो मौन स्वीकार कर लो लेकिन मैं तो उन दोषों की बात जाने दो जो दोष नहीं है किसी के कहने पर किसी ने कहा कि मेरा भाई बहुत बेकार है उसने मुझे बंटवारे में कुछ भी नहीं दिया चूंकि वो आपका मित्र है तो आप उसकी बातों में आकर भाई की बुराई करने लगे गुरु सबके लिए एक सा होता है जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं पढ़ पढ़ करके आगे बढ़ते हैं बड़ी क्लासेज में आते हैं स्कूल से कॉलेज में जाते हैं वहाँ लेक्चर देने वाले टीचर आते हैं एक सब्जेक्ट पर 45 मिनट 48 मिनट बहुत ज़्यादा एक घंटा एक लेक्चर देकर के चले जाते हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि ये पूछें कि सर इसका मतलब एक बार और बता दें तो वो सुनते नहीं हैं आपको थ्योरी में जैसा लिखना है लिखो और लेक्चर देकर चले जाते हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने आप उस शिक्षक के द्वारा दिए गए उस शिक्षण से अपने आप अपने नोट्स बनाते हैं और पेपर की तैयारी करते हैं ठीक ऐसे ही शिक्षक गलत नहीं है शिक्षण भी गलत नहीं हैं और शिक्षण लेने वाले विद्यार्थी भी गलत नहीं हैं लेकिन उनका मन ही ना हो एक घंटे की जो रोज़ क्लासेस लगी उसमें उन्होंने जिस सब्जेक्ट पर अपना प्रकाश डाला उसको मैं ध्यानपूर्वक न सुन सका तो ये तो वही बात हुई कि अंधेारी आई आंधी आई और आपने खिड़कियां बंद नहीं की कमरों के अंदर धूल कचरा आ गया तो दोष आप आंधी को देने लगे ये तो अज्ञान स्थिति है भैया जैसे ही पता लगा कि बादल चढ़ गए हैं हवा चल रही है अपनी खिड़की को बंद कर लेते तो आपका घर गंदा होने से बच जाता लेकिन जब शीतल बयार चल रही हो सूरज की सुखद किरणें आ रही हो, और आप कहें कि भैया माता जी आपने तो कहा था कि खिड़की बंद करके रखो खिड़की कब बंद करनी है और कब खोलनी है महान भावो ये स्थिति है खिड़की बंद करने के लिए जब कहा जब तेरे इस देर रूपी मकान की कान की खिड़की में यदि किसी ने दूसरे की निंदा की उसका निंदा का कचरा डाला तो अपनी खिड़की बंद कर लेता तो तू तेरा घर निंदा रूपी कचरे से गंदला न होता तेरे इस देह रूपी मकान की आँख की खिड़की ने जब दूसरों के दुष्कृत्यों को देखा और खुद उसको देख करके अपने आप में जग गया कि मैं भी ऐसा करूंगा और दोस्त दो कि उसने करा था इसलिए मैंने कर लिया आचार्य भगवंत कहते हैं जब तुझे लगा कि ये दुष्कृत्य कर रहा है तो अपनी खिड़की बंद कर लेता तुझे ऐसे दुष्कर्म देखने ही नहीं थे क्यों या तो तू इतना मजबूत होता देखने के बाद अपने में स्थिर रहता जब तेरी इतनी क्षमता नहीं है तो क्यों दौड़ता है क्यों भागता है एक तांग का है तो बैसाखी के साथ चल बिना बैसाखी के साथ चलेगा तो गिर जाएगा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाएगा आचार्य भगवान यह कि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने हौसले को खत्म कर दिया जिस व्यक्ति ने अपनी शक्ति को कमजोरी में महसूस करने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो जैन दर्शन कहता है कि रे भव्यात्मन क्यों अपने आप में हतोत्साही होता है है तेरे अंदर तो वो शक्ति मौजूद है कि एक सीढ़ी क्या तुम डरते हो माता जी ऊपर नहीं रह सकते हम कौन रोज उतरे कौन रोज चढ़े मुझे आश्चर्य होता है जो हमारे साथ में विदुषीमती माता जी हैं चढ़ नहीं पाती उतर नहीं पाती हैं चढ़ती हैं तो सीधी उतरती हैं तो उल्टी लेकिन फिर भी इनकी आत्मशक्ति की मैं दाद देती हूं कि इतने शरीर की अस्वस्थता पर इस प्रवचन में अन्य क्लासेज में अन्य कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं ये सम्यक्त के शुद्ध सम्यक्त की पहचान है ये स्वयं के परिणामों के शुद्ध परिणमन की पहचान है ये भव्यता की पहचान है बेशक आज परिणामों की वो शुभता नहीं है जो हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति करा पाए लेकिन शुभोपयोग से वो परिणाम वंचित भी नहीं रखेंगे ध्यान रखना जो इस एक मंजिल की सीढ़ी को पार नहीं कर पाए अपने में थकान का अनुभव करे भला वो गुणस्थान की चौदह सीढ़ियों को कैसे पार करेगा तुझे चौदह सीढ़ियों को पार करके उस महल में जाना है जहां का राज्य अद्वितीय राज्य है जहाँ का साम्राज्य विनश्वर साम्राज्य है कभी तुझसे कोई ले नहीं सकता कभी तुझसे कोई छीन नहीं सकता वो कभी तुझसे बिगलित नहीं होगा ये जितने राज्य हैं ये तो राज्य ऐसे हैं अगर महाराज्य वाले आ जाएं, वो तुझसे तेरा राज्य छीन करके ले जाएं, हे भव्यात्मन आज हम बिल्कुल किट कालमा से खाली होना चाहेंगे ऐसी मन बना के आए ना भैया आकिंचन शब्दों से आए हैं या केवल इस सिर को हिलाने से आए हैं विचार करना आर्थिक की तैयारी चल रही है बारंट कट चुका है फसल पक गई है फिर भी फसल को तुमने दाव के ढक के रख दिया है कि पकी फसल दिखाई ना दे मुझे क्योंकि अभी मुझे फुर्सत नहीं है अभी बादल भी नहीं है जो फसल बेकार हो जाएगी तो आपने डावा है ढका है किससे उस काले खिजाब से मैं आश्चर्य करती हूं कि सबके बाल इतने काले कैसे रहते हैं लेकिन बाद में पता लगा मैंने पूछा मैंने कहा भाभी आपके बाल क्या इतने ही काले हैं जब मैं सोलह वर्ष की संग में आई थी तभी मेरे बाल सफ़ेद थे और इनके बाल अभी तक काले हैं तो उन्होंने कहा सच्ची बात तो माता जी ये है मैं तो रोज अपने बालों को सौंदर्यकरण देती हूँ रे आत्मन इस चमड़े को सजाता है काश अपने आत्म ग्रह को सजा लेता तो कितना अच्छा होता कितना मन भावन है वो पंक्तियाँ जिनको ज्ञानी आत्मा रोज पढ़ता है और उस पर ध्यान देता है कि मैंने अपने इस गेह को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है अब मुझे अपने आयुष्य रूपी सूर्य के अस्त होने के पहले पहले अपने घर का पता कर लेना चाहिए क्या करें पत्थर अहम का गलता नहीं क्या करें पत्थर अहम का गलता नहीं लाखों दिए जलते मगर अपना दिया जलता नहीं ढूंढते ढूंढते हो गई जीवन की शाम ढूंढते ढूंढते हो गई जीवन की शाम सबके पते मिलते मगर अपना पता मिलता नहीं ध्यान रखना महान भावो उपदेश सिर्फ उपदेश ना हो यहां की बैठक भी बैठे हैं पुरुषार्थ से बैठे हैं डर से बैठे हैं कि अभी फ्लाइंग स्कोट आएगा भागना पड़ेगा यहां से क्योंकि कोरोना चल रहा है आचार्य भगवंत कहते हैं कोरोना का क्या रोना रोना है तो अपनी करनी पर रो रोना है तो अपने दुष्कृत्यों पर रो जिसने कोरोना जैसी स्थिति को पैदा कर दिया अगर तेरी स्थिति पुण्य की होती तो हम यहाँ न होते विदेश क्षेत्र में होते हैं। हम यहाँ न होते देव की पर्याय में होते हैं। हम यहाँ न होते कहीं और तीर्थंकर के पाद मूल में बैठकर सोलह भावनाओं का अन्वेषण कर रहे होते इसलिए अब सब चिंताओं को छोड़ने का दिन है पारस जी तो यही कहेंगे माता जी मैं तो मस्त आदमी हूँ चिंता करता ही नहीं हूँ लेकिन कितना बड़ा धोखा है कितना बड़ा छलावा है पारस जी कितना बड़ा झूठ है हमने सत्य धर्म को स्वीकार कर लिया फिर भी झूठे के झूठे ही रहे मायाचारी को छोड़कर आर्जब को स्वीकार कर लिया फिर भी छलिए के छलिए ही रहे लेकिन छल किसको रहे हो गुरु को धर्म को परिवार को आखिर किसको छल रहे हो आप केवल अपनी आत्मा के साथ छल कर रहे हो अगर बेहरूपीय हो तो केवल अपनी आत्मा के लिए ध्यान रखना परेशान मत हो भाव भंगमा को विकृत ना करो लेकिन परिणामों की सुसंस्कृति के लिए सत्यता को समझो जब तक हम चिंता को नहीं छोड़ेंगे और श्रीमद जिनेन्द्र प्रभु कहते हैं चिंता ही करनी है तू तो भव्य है ध्यान रखना तो अंजलि पीठ में रोज आहार देता है तेरी भव्यता का एक कारण है लेकिन इस भव्यता का रूप यह है अगर चिंता ही करनी है तो तू पर की चिंता मत कर तू शरीर की चिंता मत कर तू तो कामी व्यक्ति की चिंता मत कर अगर चिंता करनी है काम की चिंता मत कर विषयों की चिंता मत कर भोगों की चिंता मत कर अगर चिंता ही करनी है तो स्व की चिंता कर क्योंकि कहा गया है उत्तमा स्वात्म चिंता देह चिंता मध्यमा अधमा काम चिंता सात पर चिंता धमा धमा उत्तम पुरुष स्वात्म चिंता में डूबा रहता है मध्यम मोही आत्मा अपने शरीर की चिंता करता है और अधम व्यक्ति जो काम से युक्त है वो विषयों की चिंता करता है भोगों की चिंता करता है इससे भी अधम से अधम वह है जो दूसरों की चिंता में रहता है दूसरों की चिंता में शायद आप लोग तो रहते ही नहीं होंगे ग्रस्त साधु रहते हैं बस है वही चौकीदारी करते हैं कि भैया समझ जाओ खुद जगे हों या ना जगे हों लेकिन मेरा मानना ये है जितने भी साधु गण हैं मुनि गण हैं हमें लगता है कि वो आपकी चिंता करते हैं हमें ये लगता है अपनी चिंता का चिंतन उन्होंने इतना किया कि अब उनको लगा कि प्राणी मात्र के चिंता के इस शैली को चिंतन में कैसे परिवर्तित करूं? वो कर नहीं पाएंगे भगवान महावीर ने प्राणी मात्र के संकलेश के परिहरण की भावना की थी लेकिन हटा नहीं पाए क्यों व्यक्ति का अपना अपना साता और असाता का उदय है उसको कोई मैट नहीं सकता है लेकिन वो प्रार्थना करता है भावना करता है इसके कष्ट दूर हो जाएं। कष्ट दूर नहीं कर सकता इसलिए क्या करना है अपने चिंता के लिए हमें अब तैयार होना है मेरे स्वात्म की क्या स्थिति है मेरे परिणामों की क्या स्थिति है आहार देते हैं फिर भी परिणाम शांत ना हो आपने कुछ देखा नहीं है आपके यहां कोई साधु आता है या आप कहीं दर्शन करने जाते हैं चार दिन आठ दिन चौका लेकर गए किसी श्रावक से दोस्ती हो गई अब श्रावक जिस साधु से मिला होगा उसकी दो अच्छी बात कहेगा जिससे नहीं मिला होगा उसके लिए न्यूट्रल रहेगा अथवा जिसने कह दिया भैया कोरोना है आगे मत आओ ऐसी मुझ जैसी माता जी के लिए शत्रुता का रूप ले लेगा कि भैया वो माता जी सबसे बेकार हैं संघ के अंदर तो हमारी भी वो बिना देखे धारणा बन जाएगी जो धारणा बनी ये धारणा तुम्हारे स्वभाव को छलने में कारण होगी क्योंकि ये सत्य नहीं है ये सत्य नहीं है कि पिन चुभती है चुभता वो है जो बिखरने नहीं देता जो कागज यत्र तत्र पड़े हो उनको उठा कर के और पिन में लगा दिया तो चिल्लाते हैं पिन चुभ रही है लेकिन वो उन कागजों को यत तत्र बिखरने नहीं देती लोग कहते हैं डरो अपनी रक्षा करो उसके लिए कहा जाता है आप भी स्वस्थ रहें और संघ को भी स्वस्थ रहने का मौका दें संघ स्वस्थ रहेगा साधु जन स्वस्थ रहेंगे तो धर्म का एक धर्म प्रभावना अच्छी होगी साधुगण बीमार होंगे तो धर्म की प्रभावना हो नहीं पाएगी महान भावों बैर भावों के भावों से या शत्रु पक्ष से किसी आत्मा की बुराई सुनने के बाद हमें ये निश्चय नहीं करना चाहिए कि वो वास्तव में बुरा है उसकी वास्तविकता को समझें उसके पास जाएं जब आपको पता लगे कि वास्तव में बुरा बुराई करने वाला है या जिसकी बुराई हो रही है वो बुरा है आज का ये आकिंचन धर्म हमें केवल ये ही प्रेरणा दे रहा है कि रे साधक आज हल्का होना है तुझे क्योंकि ऊपर चढ़ना है अगर ऊपर चढ़ेंगे तो भरी टंकी पानी की ले जाएंगे तो सांस फूलने लगेगी और खाली जाएंगे तो झटपट चढ़ जाएंगे मतलब साठ वर्ष का बच्चा भी छः वर्ष के बच्चे की तरह चढ़ जाएगा और यदि उसके सिर पर टंकी रख दी भरी हुई तो छः वर्ष का भी नहीं चल पाएगा इसलिए क्या करना है अपने आप को खाली होना है जब खाली हो जाएंगे तो हम अपने गंतव्य तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और यदि खाली नहीं होंगे तो जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे आचार्य पूज्य पाठ स्वामी इष्टोपदेश के अंतर्गत कहते हैं कि कौन बंधता है और कौन खुलता है आप कह सकते हैं कि माताजी कैसे निकलूँ अभी मेरे पति मौजूद हैं उनकी सेवा करना पड़ता है अरे पति प्रता, अगर आज ही तेरी मृत्यु का आगाह हो जाए तो पति तेरे साथ जाएगा क्या तुझे रोकेगा क्या नहीं रोकेगा और यदि एक पति कहे कि भैया अभी कैसे करूं बच्चे भी कुरे हैं पत्नी भी है वो निकलने नहीं देती जैन दर्शन कहता है उस मृत्यु के आमंत्रण को यदि किसी ने एक क्षण के लिए भी जीत लिया तो आपकी सारी बात सत्य मान ली जाएंगी जब मृत्यु का एक पल का भरोसा नहीं है जो कल तक आहार देता था आज हमसे बहुत दूर हो गया सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कैलाश कैलाश पर्वत का अवरोही बन जाएगा जिसके लिए स्वप्न में मैं नहीं सोचा था आज हमसे इतना दूर जो हमारे कष्टों के बारे में पूछता था जो हमारे आहार के बारे में पूछता था आज उसको सुध नहीं है कि कैसी है वो वैद्यमती जी कैसा है वो माता जी का संग किसी ने उनको आहार दिया या नहीं दिया ध्यान रखना मान भावो, जब तक देह के अंदर देही है तब तक ये परिणाम शुभ्र बना लो जब तक इस शरीर के अंदर चेतना की शक्ति है तब तक झटपट अपने अंतरंग का श्रृंगार कर लो जब तक बोध तेरे अंदर है तब तक अपने आत्म गेह की देरी देरी को पार कर लो पुद्गल की देरी का परित्याग करके अपने आत्मगेह की देरी को संभाल लो क्योंकि कहा गया है बद्धते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व न निर्म पर जो जीव ममता के कारण बंधु को प्राप्त होता है और ममता हट जाने के कारण निर्ममत्व होने के कारण निर्बंधता को प्राप्त हो जाता है मैं कौन हूँ किसके बीच में हूँ किसका हूँ कौन मेरे हुए और मैं किसका हुआ जिसके अंदर ये आकिंचन की भावना जन्म ले लेती है वहीं पर आकिंचन धर्म की प्रतीति का शुभारंभ हो जाया करता है और जहाँ पर इससे विपरीत ये भी मुझे मिल जाए भाई मर जाए तो उसका भी मुझे मिल जाए उसका परिवार चला जाए तो सब कुछ मेरा हो जाए रे आत्मन अगर तेरा भाई मर भी गया तो ध्यान रखना वो अपनी आयु से जाएगा लेकिन तूने अपने अगली पर्याय के लिए अल्प आयु का बंध कर लिया है अगर तेरा भाई मर भी गया और उसकी संपत्ति तुझे मिल भी गई फिर भी तूने अपने अगली जन्म जन्मांतरों के लिए लाभांतराय का ऐसा अंतराय डाल लिया जो दूसरों की संपत्ति को हड़पने की भावना रखता है दूसरों की संपत्ति को बटोरने की इच्छा रखता है दूसरे से काम के लिए अगर आवश्यकता के लिए तुमने पैसा ले लिया फिर वापस नहीं किया या उसमें कुछ चाला की दिखाई तो ध्यान रखना रे आत्मन तूने बहुत बड़ा ऐसा तीस कोड़ा कोड़ी का अंतराय बांध लिया जो तू तीन हजार वर्ष तक तो तेरे उदय में ही नहीं आएगा और जब तीन हजार वर्ष बाद उदय में आएगा तो तीस कोड़ा कोड़ी सागर तक निरंतर आता रहेगा आत्महत्या करेगा तो भी आएगा जिंदा रहेगा तो भी आएगा आत्महत्या करेगा रोएगा चिल्लाएगा दोषी बनाएगा दूसरों के सिर पर अपनी करने के फल को डालेगा तो समझना गुड़ पर चासनी चढ़ाने का कार्य करेगा इसलिए बचकर के रहना ये कर्म बहुत क्रूर हैं और बहुत सीधे हैं केवल तेरी करने की क्रूरता इनको क्रूर बना देती है और तेरी करने की सरलता इनको सरल और तरल बना देती है उस परिवार के बीच में रहना सीख ले अगर रहना आता है तो ठीक और नहीं आता है तो इस देह को इस देही से भिन्न करने का उपाय सोच क्योंकि कहा गया है एक है सदा सत्व को मम आत्मा सुनेर माला स्वभाव बहेर भवा संत्य परे समस्ता नसास्वता कर्म भवा स्वकिया निर्मल और ज्ञान स्वभावी आत्मा ही सदा शाश्वत है और वो आत्मा जितने जितने बाहरी पदार्थों से पृथक है जिसका पृथकीकरण है अलग है उतने उतने अंशों में वो शाश्वत पने को प्राप्त होगी और जितनी जितनी उससे जुड़ी है उतनी उतनी अशाश्वत है अपने परिणामों के अंदर जितनी जितनी शुभता है उतना उतना पुण्य कर्म मेरे खाते में जा रहा है जब जब उस परिणामों में अशुभ्रता होती है कृष्णपना होता है कालापन होता है मायाचारी होती है झूठ होता है छल होता है धोखा होता है उतने उतने अंशों में बंद की दशा को प्राप्त होता जाता है रे साधक ध्यान है ना जब चौदह वनवास चौदह वर्ष का वनवास उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ग्रहण किया क्यों किया था पता है मां केकई ने जब अपने प्राण से प्यारे पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा तो रघुकुल तिलक राम ने कहा कल जिसका राज तिलक होना है कल जिसका राज्याभिषेक होना है पूरा अयोध्या नगर खुशियों की सेहनाइया बजा रहा है रघुकुल का कुल दीपक जो ज्येष्ठ होता है वो कुलदीपक होता है कुलदीप होता है राज्य मंदिर का कुलदीपक कल जिसका राज्याभिषेक होगा लोग उसके उस सुंदर पद को देखने के लिए लालायत थे पूरा राज्य अयोध्या चाहता था कि श्री राम मेरे राज्य प्रशासक बन करके हम सबको अपने बेटों की तरह पालन करेंगे लेकिन होनहार वीरवान के होते चिकने पात महान भावो बलि को भला कौन टाल पाया है केकई ने जो धरोहर में शब्द वचन रखे थे उनको मांग लिया कि हे स्वामी आपने वचन रखे हैं आज उन बचनों को लेने आई हूं रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए उस धड़कते पिता के हृदय ने कहा मांगो के कही तो झट से अपने बेटे के लिए राज्य मांग लेती है समझदार वो ज्येष्ठ कुलदीप पिता से कहता है कि पिता हे मेरे जनक आप परेशान ना हो बिल्कुल ना घबराएं मुझे पता है कि मेरे रहते हुए ये भरत इस अयोध्या के शासन को स्वीकार नहीं करेगा इसलिए पिताजी मुझे अब जाने दो उस बन के निर्जन प्रांतारों में जहाँ पर मैं और मेरा जीव द्रव्य रहेगा ये शरीर रहेगा सुनते ही पैरों तले गर्ती खिसक जाती है प्राणों से प्यारे पुत्र के लिए अगर महलों को छोड़कर वन प्रांतारों में जाना पड़े निवास के लिए एक दिन नहीं दो दिन नहीं एक वर्ष नहीं दस वर्ष नहीं पूरे चौदह वर्षों का वन का प्रवास उस अयोध्या भाभी नरेश के लिए कितना दुसाध्य होगा कितना दुष्कर होगा मान बाबू ध्यान रखना अपने सीने की धड़कनों पर हाथ तो रखो कि मेरा प्रिय पुत्र यदि ऐसे जिसके अंदर योग्यता होती है जिसके अंदर पात्रता होती है उसको ही तो राजा बनाया जाता है तुमने उसका विरोध किया ईर्षा बस अपने पुत्र का सहयोग किया ज्ञानी आत्मा न्याय के सिंहासन पर बैठता है ज्ञानी आत्मा न्याय की दृष्टि रखता है ज्ञानी आत्मा इस राज्य का इस साम्राज्य का इस धर्म राज्य का संरक्षण कौन कर सकता है कैसे हो सकता है किसके अंदर वो पात्रता है इसका अन्वेषण करता है लेकिन हे माँ के कई तूने क्या कर डाला चौदह वर्ष का वनवास प्रिय पुत्र राम के लिए पिता दशरथ परेशान हो जाते हैं आँखों से अश्व की धारा छलकने लगती है जो अयोध्या नगरी फूल रही थी फल रही थी जिसमें रत्नों की रोशनी हो रही थी वो अयोध्या नगरी सूनी होने लगती है और उस सूनेपन के कारण जब लक्ष्मण को और सती सीता को पता चलता है कि आज मेरे भरतार राम इस राज्य महलों को छोड़कर बन के राह का अनुसरण करेंगे कहा गया है महान भावों कि व्यक्ति चार तरह के होते हैं पहला कहता है मेरा सो मेरा और मेरा भी तेरा। दूसरा कहता है मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। तीसरा कहता है तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा। और चौथा कहता है मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा और जैन दर्शन कहता है ना तेरा ना मेरा ये दुनिया रहन बसेरा उन दुन से दुर्दयन से पूछो जिसने कहा हे पांडवो मुत में सुई के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा उनका शासन उनका शील मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा ऐसे विचार यदि जिसके आए समझ लेना कि वो कौरव वंशी है जिसके अंदर शांति नहीं है मेरा जो मिला है उसका भोग करो लेकिन जो तुझे मिला है वो भी लेकर के रहूंगा ध्यान रखना वो कौरव वंशी कहलाएगा उस वंश का एक आत्मा तेरे वंश में आकर के जन्म ले चुका है अनेक महापुरुषों में वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब पता लगा कि माँ के कई ने भरत के लिए राज्य मांगा है तो क्या विचार कर लेता है कि मेरे कारण ये मेरा भ्राता अवधपुरी का राज्य नहीं कर पाएगा इसलिए भरत को राज्य अब चलाना ही है मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए महान भावो यदि घर में रहना ही पसंद है आपको तो परिवार के साथ रहना है तो कब रहना जब ज्येष्ठ भाई राम की तरह हो और छोटा भाई भरत की तरह हो भरत को जब पता लगा तो राम के पैर पकड़ लेते हैं कि हे भ्राता ऐसा नहीं हो सकता मेरे राज्य की व्यवस्था नहीं है ये राज्य तो आपका है आप इसके राजा हैं आप इसकी व्यवस्था को संभाल सकते हैं मेरी माँ ने अगर कह दिया तो उसके कहने से होता क्या है लेकिन राज ने कहा भैया तुम राज्य संभालो और आराम से मां केकई मां कौशल्या का ध्यान रखना मां के कई की प्रसन्नता के लिए नहीं अपने कर्मों का भोग करने के लिए भरत तुम किंचित भी ना घबराओ राज्य करना राज्य की व्यवस्था को भंग ना करो इसलिए मैं जंगल में चला जाऊंगा, तुम्हें कोई आपत्ति और विपत्ति नहीं होगी महान भावो भरत राम को निहारते रहते हैं माँ के कई शब्दों को वंचना करते हैं लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था चौदह वर्ष के बाद जब वापस आते हैं पता चलता है कि आज अवधपुरी के सच्चे राजा का यहाँ पर आगमन हो रहा है राम जैसे ही अपने अयोध्या की राज मंदिर में प्रवेश करते हैं भरत आते हैं उनके पाँव पकड़ लेते हैं भैया राज्य संभालो मैं अब पूरे राज्य को छोड़कर अपने राज्य की सत्ता को संभालूँगा राम ने कहा अरे भरत तुम कैसे हो तुम्हें तो पता है कि अभी मैं लंकेश को युद्ध में जीत करके के आया हूँ युद्ध करके आया हूँ और तुम जाने की बात कर रहे हो इतना तो समझ लेते कि भैया अभी आए हैं दो बात हम और तुम मिलकर के करते बैठ कर के एक दूसरे के सुख दुख को समझते जाने की बात करना शायद भरत अभी तुम्हारे लिए उचित नहीं है भरत कहने लगे भैया अभी तक मैंने दूसरों के कर्तव्य को निर्वाह किया है आप आज मैं अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए इस राज्य को छोड़ूंगा स्वयं के कर्तव्य का निर्वाह करने जा रहा हूं आज तक मैंने राम के राज्य का संचालन किया है आज मैं स्वयं के राज्य का संचालन करने के लिए सारी माताओं से सारी मां खड़ी हुई आंखों से अश्रु बहाती हैं कैसा ये है भ्रात मिलन एक भ्राता रोकता है दूसरा भ्राता छोड़ता है भरत चल देते हैं जंगल की ओर राम आवाज लगाते हैं भरत रुको भरत कहता है रुकना था सो रुक लिया अब जाना है सो चल दिया चले जाते हैं भरत उस राज्य को छोड़कर ना राज्य का राग रहा ना स्व का राज रहा ना माँ का राज रहा ना पिता का राज रहा हे भैया राम जिस जगत को मैंने खूब अच्छी तरह इन आँखों से निहार लिया है अब उस राज्य का क्या संचालन करना अब मुझे अपने राज्य का संचालन करना है अपने निज गेह की पर पालना करनी है अन्वेषण करना है जो हाथ जोड़ करके के खड़े थे जंगल में जाते हैं केश लुंचन करते हैं राजसी वस्त्रों को हटा करके, दिशाओं को अंबर ओढ़ लेते हैं दिगंबरी बन करके, के जो अभी तक जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे वो उनके लिए अब भगवान बन जाते हैं मुनिराज बन जाते हैं जिन राम के लिए वो चरण स्पर्श करते थे वो राम उनके चरणों की पूजा करते हैं इसलिए कहा गया है हे भव्यात्माओं उन पंक्तियों को आप बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे जो मेरे लिए बहुत ही दिलचस्पी पंक्तियाँ हैं आपके बीच में रखूँगी ताकि हम अपने बोध से बोधि को प्राप्त करने के लिए उस बोध का जन्म दे पाए हम तो कब हूँ नने जे घरे आए हम तो कब हूँ नने जे घरे आए पर घर फिरते बहुत दिन बीते पर घर फिरते बहुत दिन बीते नाम अनेक धराए हो हम तो कबू नने जे घरे मैं भजन नहीं सुनाना चाहती आपको लेकिन जो पंक्तियां हमें अंदर तक झकझोरती हैं किसके लिए लगे हो किस और कब से कब तक लगे हो जिस परिवार को तुम अपना मान रहे हो जिस संघ को तुम अपना मान रहे हो जिस समाज को तुम अपना मान रहे हो जिसने जन्म दिया वो भी छोड़कर चला गया और जो दुज जन्मदाता गुरु है वो भी शाश्वत नहीं रखे रहेगा फिर किसका सम्मेलन फिर किसका राग आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा दिग देशे बे खगा एत्य सममसंति नगे नगे स्वयस्वय कार्य वशा ध्याति देशे दीक्षु प्रगे प्रगे जो सायकाल वृक्षों पर आकर के रैन बसेरा करते हैं पंक्षी जो देश और दिशाओं से भिन्न भिन्न दिशाओं से आते हैं प्रातःकाल होने पर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न देशों में स्वस्व कार्य हेतु चले जाते हैं ठीक इसी प्रकार जो परिवार है जो माता पिता हैं जो भाई बहन हैं वो ना जाने किन किन देशों से आए हैं और यहाँ आकर के उस परिवार रूपी वृक्ष पर पं जीव रूपी पक्षी के रूप में बैठ गए हैं आयुष रूपी सूर्य जिस दिन अस्त होगा उस दिन उस बद्यमान आयु का उदय होने पर अपने आप उस परिवार रूपी वृक्ष पर बैठे पक्षी रूपी ये देही उड़ उड़ करके चले जाएंगे क्यों हम उनमें राग करें क्यों हम उनमें द्वेष करें क्यों अपने धर्म को छोड़ें क्यों अपने स्वभाव से भीहीन हों जिनको कल छोड़ना है उनको आज छोड़ देना चाहिए जिनको आज छोड़ना है उनको अभी छोड़ देना चाहिए आकिंचन धर्म के लिए इन पंक्तियों को केवल अपने लिए संवारा है आपको किंचित भी अच्छी लगें तो आप भी अपने अंतरंग की बेदी को साफ करने की कोशिश करना रे भव्यात्मन इस परिवार में इस संसार में रुलते रुलते कितना समय बीत गया इस परिवार में जिसमें आज तू बैठा है कल पिता था आज बेटा है आज पिता है वो कल बेटा बनेगा जो पत्नी है वो पति बन जाएगी और जो पति है वो बेटे की बहू बन करके इसी तरह इस देही का स्थानांतरण करता रहेगा लिखा है पर भावों में मैंने अब तक अपना समय गुजार दिया इस दुर्लभ चिंता भाव का किंचित ना उपयोग किया इस दुर्लभ चिंतामण भव का किंचित ना उपयोग किया ममता से है बंध और निर्ममता से बंधन कटते कर्मों के मिथ्या बादल भी सम संयम तप से हटते कर्मों के मिथ्या बादल भी समसंयम तप से हटते वृक्षों पर आपक्षी गण भी रहन बसेरा करते हैं वैसे ही हम परिवार जन एक जगह पर रहते हैं वैसे ही हम परिवार जन एक जगह पर रहते हैं लेकिन ये सम्मेलन न स्वर हो, हो लेकिन ये सम्मेलन न स्वर ये तो क्षण क्षण मिटता है एक दिन ये मृत्यु की सैया खुद आलिंगन करता है ले एक दिन ये मृत्यु की सैया खुद आलिंगन करता है एकांकी एकत्व भावना एक द्रव्य में पा जाऊं धन पर जन अरुणश्वर तन को निश्चय से मैं बिसराऊँ धन परिजन अरुणश्वर तन को निश्चय से मैं विसराऊँ कोई नहीं है किंचित मेरा हो कोई नहीं है किंचित मेरा मैं नित्य अखंड निराला हूँ देह और देही से भी अन्यत रूप मत वाला हूँ देह और देही से भी अन्यत्य रूप मत वाला हूँ पान किया अब तक जड़ रस का अभिमानों के झोंका मैं समझ सकाना जग का बिहरण जन्म मरण की ओटो में समझ ना जग का बिहरण जन्म मरण की ओटो में लेकिन अब गुरु उपदेशों से हो लेकिन अब गुरु उपदेशों से जागा हूँ तंद्रा टूटे आकिंचन हो मेरा देही निज समरस अमृत लूटे आकिंचन हो मेरा देही निज समरस अमृत लूटे आकिंचन हो मेरा निज समे से अमृत लूटे इन्हीं भावनाओं के साथ में हे भव्यात्माओं बहुत ही शांति के साथ एकाग्रता के साथ 80 मिनट के इस व्याख्यान को आपने श्रवण किया है बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आपके उज्जवल देही की जिसने आपको यहाँ बैठने दिया बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ आपके इस चंचल मन की जिसने चंचलता के साथ भी आपको यहाँ बांधे रखा हे प्रभु आपका वो दिन कब आएगा जब आपको असीम सौंदर्यता चिरंजीवता आरोग्यता समृद्धता का प्रतिफल सम्यक दृष्टि बन के एकांकी और अमृत का वो दीप जला करके प्राप्त होगा आप सबके लिए आज की जाप रहेगी ओम रेम श्री उत्तम आकिंचन्य धर्म नमः आज के लिए सबका नियम दे दूं क्या सबको नियम आज हम जिन वस्त्रों को पहने हैं बस इसके अलावा दूसरा चौके के लिए वस्त्र चेंज करेंगे उसकी छुट्टी है लेकिन दुकान की ड्रेस अलग नहीं रहेगी घर की ड्रेस अलग नहीं रहेगी नाइट ड्रेस अलग नहीं रहेगी मंदिर की ड्रेस अलग नहीं रहेगी चौके के लिए परिवर्तन की छुट्टी उनके लिए है जो चौके में जाते हैं उन तपोधनों के अंजुली पुट में दान करते हैं अन्न के टुकड़ों का उनके लिए नहीं है जो अचौके में नहीं जाते जो ड्रेस पहने हैं आज वो ही पहनना है जो परिणाम यहाँ लेकर के बैठे हैं घर में उन्हीं परिणामों से रहना है अगर थाली में नमक के बिना दाल सब्जी आ जाए तो संता से उसका भोग कर लेना अथवा बड़े मृदु शब्दों में नमक मांग लेना लेकिन क्रोध मत करना कसाय मत करना दम मत करना घर में मचाना मत बतन, बनन, बरन जहाँ मच रहा हो वहाँ शांत कर देना इन्हीं भावनाओं के साथ जब लिए उत्तम आकिंचन धर्म की जय